सबसे पहले इसको प्लास्टिक को यहाँ से आप रिमूव कर लें पिचकस से, ठीक है। अभी हमारा अच्छा, अब ये पीछे से प्लास्टिक आप खोल लें पिचकस से, तीन काटे इसके, ये यहाँ से ये, और ठीक है। अब ये वाली तार इसकी टूट चुकी है, ठीक है। अब ये तार हम एक सुई लेंगे और सुई के ज़रिए जो उसके ऊपर के अंदर दो कट होते हैं, एक कट होता है, इस कट को आप हल्का सा दबाएंगे तो ये हल्का सा दबाएंगे तो हमारा जो ग्रिप निप्पल है, जो तार है, वो आपके आराम से मुझसे बाहर आ जाएगी, ठीक है। ये देखें बाहर आ गई तार। अभी हम इसका दूसरा ग्रिप लेंगे और इसका भी यही तरीका है, ऊपर से आप एक कट खोलें, कवर खोल लिया, उसके बाद आप इसके ये तीनों देखें, ये इस तरीके से आप तीनों कट खोलें और देखें तार हमारी टूटी थी, ये वाली तार थी, ठीक है। अब इस तार को हम सुई से दबाएंगे, इसे दो कट होते हैं, एक कट एक साइड एक दूसरी साइड होता है, एक कट पीछे कर दिया हमने और ये निप्पल के अंदर कट होता है इस तरह से, ये देखें निप्पल बाहर आ गई और वापस इसी तरीके से आप इसको फिट कर लें। अच्छा, मज़े की बात, दोनों निप्पल आपने चेक भी करने हैं कि दोनों निप्पल एक जैसे हैं कि नहीं, मतलब आपकी और ग्रिप चेंज कर रहे हो और निप्पल आपको और लगा दें, तो इसलिए आपको निप्पल जो एक जैसी है वो निप्पल लगाएं, ठीक है। आप उस बिठा दें इसको, और अगर डीली हो, मतलब कोई और ग्रिप हो तो आप इसको सिलिकॉन लगा दें, लेकिन हमारी ग्रिप बिल्कुल सही तरीके से फिट हो चुकी है। वापस कट बिठा दें ऊपर से, ऊपर प्लास्टिक लगा दें। तमाम गाड़ियों का ग्रिप चेंज करने का तरीका एक ही है, जो मर्जी गाड़ी हो वायरिंग का ग्रिप चेंज करने का तरीका एक ही है, इस तरीके से आप इसको ग्रिप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब क्रोला, होंडा, सुजुकी, टोयोटा, वॉल्वो, जो दुनिया की गाड़ी हो उसको तकरीबन ग्रिप चेंज करने का तरीका एक जैसे है और ग्रिप चेंज करने का तरीका यही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।